नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जैन। फटाफट नजर डालते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के शिरडी में भीषण सड़क हादसे। शिरडी हाईवे पर पाथरे के पास एक बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसमें करीब 10 लोगों की मौत की सूचना। जानकारी के मुताबिक बस में करीब 50 लोग सवार थे। बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के काफिले पर असामाजिक तत्वों ने पत्थरों से बौछार कर दी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री थर्मल पावर प्लांट में भीषण तोड़फाड़ और आग लगी के बाद आंदोलनरत किसान का हालचाल लेने उनके बीच पहुंचे थे। किसान नेता राकेश टिकैत बैतूल पहुंचे, जहां उन्होंने बैतूल किसान गोलीकांड में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। उत्तराखंड के जोशीमठ और कर्णप्रयाग के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी जमीनों के धसाव के कारण मकानों और इमारतों के दरारों का सिलसिला जारी हो गया है। बताया जा रहा है कि लगभग 25 घरों में कई दरारें देखी गई, जिनमें से कुछ बहुत अधिक गंभीर है। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को कर्नाटक में हुबली पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान उनकी सुरक्षा में चूक हो गई। रोड शो के दौरान एक शख्स अचानक उनके काफिले के करीब पहुंच गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के सीनियर नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की उनके घर पर जाकर मुलाकात की। शाह ने इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया और कहा, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने उनके आवास पर भेंटकर आशीर्वाद दिया और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर कर्तव्य पथ 15 जनवरी से लोगों के लिए बंद रहेगा। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को होने वाली परेड को लेकर तैयारियां होनी है, इसलिए कर्तव्य पथ को आम लोगों के लिए 15 जनवरी से बंद कर दिया जाएगा। सऊदी अरब की सरकार ने देश की नागरिकता को लेकर बड़ा बदलाव किया। हालांकि यह बदलाव किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए किया गया। नए नियमों के अनुसार सऊदी में जन्मी सभी महिलाओं के बच्चे अब नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। देश के कुछ चुनिंदा जगहों पर 1 अप्रैल 2023 से एथेनॉल वाला पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि देश के चरणबद्ध तरीके से E20 यानी पेट्रोल को 20% एथेनॉल मिश्रण के साथ वाहनों के उपयोग में लिया जाएगा। बिहार में कैमूर जिले के शौच के लिए निकली युवती के गांव के ही युवक ने बहला फुसला कर शादी की नियत में अगवा कर लिया। पुलिस ने युवती को 72 घंटे के अंदर महाराष्ट्र में बरामद कर आरोपी को धर दबोचा। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत विलास राव देशमुख के बेटे और फिल्म स्टार रितेश देशमुख के बड़े भाई अमित देशमुख बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। फ्री राशन योजना का लाभ उठाने वालों को सरकार ने दिया झटका, जिसके तहत अब राशन कार्ड धारकों को हर महीने 6 की जगह 5 किलो चावल दिया जाएगा, यानी हर बार के आधार पर 1 किलो चावल कम दिया जाएगा। दरअसल लाभार्थी को हर महीने 6 किलो चावल देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को गोरखपुर आएंगे। इस दौरान वह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 16 जनवरी को लखनऊ लौटने की संभावना है। चीन की महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाने के लिए जापान और अमेरिका और करीब आ गए। दोनों देशों ने ऐलान किया है कि वे अपने सैन्य रिश्तों के और मजबूत करेंगे। सचिन पायलट ने ट्वीट कर बताया कि वो 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच वो लोगों से रोजाना नागौर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, पाली और जयपुर में जनसंपर्क करेंगे और जनसभाएं करेंगे। यानी भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस में छाया सन्नाटा दूर होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तमाम राज्यों से होते हुए पंजाब पहुंच चुकी है। यात्रा के साथ साथ इस बात की भी चर्चा हो रही है कि इस यात्रा में क्या कितना फायदा राहुल गांधी या कांग्रेस को मिलने वाला है। पाकिस्तान में आटा, दाल, चावल और चीनी के भी लाल पड़ गए। पाकिस्तानी जनता भूख से तड़प रही। कश्मीर पानी के खौफ देखने वाले पाकिस्तान में कंगाली छा गई। हालात यह है कि यहां आटा भी 200 रुपये प्रति किलो और उससे भी अधिक दाम में बिक रहा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शहीद पथ में एयरपोर्ट जाने वालों के लिए अच्छी खबर। 14 जनवरी में शहीद पथ एयरपोर्ट लिंक फ्लाईओवर को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद लोगों को बिना जाम फंसे सीधा एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। एक बार फिर यूपी सरकार पर छुट्टा पशुओं को लेकर समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव का बयान आया। शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार का हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि ये सरकार पाप इकट्ठा कर रही, सरकार गौवंशों के पाप ले रही, लेकिन ये सरकार इस पाप की मुक्ति पा सकती है। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर को बचाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रियों को अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की है। गुरुवार को समाधान यात्रा के तहत नीतीश कुमार दरभंगा पहुंचे। यहां पर उन्होंने समाधान यात्रा की शुरुआत मनीगाछी प्रखंड के ब्रह्मपुरा भटपुरा पंचायत के वार्ड 2 से की। जदयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का 75वां वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कार्डियक अरेस्ट होने पर उन्हें इलाज के लिए गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। मध्य प्रदेश की मुरैना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। सिटी कोतवाली सहित जिले में अन्य थानों में लोगों का पैसा वापस न करने के कारण सहारा कंपनी के डायरेक्टर पर कई मामले दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी पिछले काफी समय से अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने पार्टी लाइन का अलग हटकर ही कई ऐसे बयान दिए, जिससे बीजेपी को लेकर उनकी नाराजगी साफ देखने को मिली। तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहे विराट 24 न्यूज़।